लो जी, सारे भक्तजन पैक हो गए, गाड़ी में जा रहे हैं। जय माता दी। जय जी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? मुंडा। मुंडा। आपके क्या बोलते हैं? मुरमुरा। मुरमुरा। तो लो जी, यहाँ नीचे अभी उतरे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मंदिर अभी ऊपर है। तो ये नीचे का है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है ऊपर के लिए। तो ये नीचे चौक है, इस तरफ से रोड जाता है, इस तरफ भी कोई रोड जाता है, और जो ऊपर जाना है माता के वो ऊपर के लिए रोड है। तो ये ऊपर के लिए माता के लिए रोड है, जो पहाड़ी पे दिखता है मंदिर, यहाँ पे जो पीछे से दिखा रहा था मैं, तो वहाँ ऊपर जाके मंदिर है। तो चलो चलते हैं ऊपर। नीचे यहाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ खड़ी होती है। यहाँ पे कुछ तालाब सा है, काफ़ी बड़ा है, और बीच में कुछ पौधे वगैरह भी है। तो कुछ इस तरह से है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा तालाब सा है। रास्ते हैं, एक तो पौड़ियों से भी जा सकते हैं, और दूसरा वो बाय रोड, मतलब पौड़ियों से थोड़ी चढ़ाई पड़ जाएगी, और यहाँ रोड से थोड़ा सीधा सीधा है। तो यही रास्ता ना? हाँ जी, हाँ जी, यही है। थोड़े पर ज़्यादा ही जल्दी चलते, ज़्यादा जल्दी चलते, और वापस कर दूँगा ज़्यादा जल्दी चलते, लेट हो गए। चलो ये पौड़ियों का रास्ता है, यहाँ से और बाया होके यहाँ से भी कैप्टन द वन फिलहाल है। हजार पौड़ी तो छड़ा पाऊँ, ये पौड़ी है ही नहीं वो वाली। हाँ देखो अंकल जी चढ़ के नहीं है, ये भी ऊपर जा सकते हैं, ये भी जा तो रही है ऊपर। ये वो ना हमें टेंट वाली है। हाँ ये चढ़ाई वाली है थोड़ी, पहुँचाएगी तो ये ऊपर हैं। तो ये लो जी, ये माता का प्रसाद टोकरी, यहाँ नीचे से ले चलते हैं, ये ऊपर चलते हैं। काफ़ी भीड़ लग रही है ऊपर, ये दिखा दूँ आपको मैं। चढ़िए रेडी। हाँ अरे बेटा शान में ले लो। फूल चढ़े माता लो, 10 रुपये के ले लो, फूल ले लो, एलजी ले लो, 10 के फूल ले लो। तो लो जी अब पैदल चढ़ाई शुरू हो गई है। ये सभी चढ़ रहे हैं यहाँ से। पौड़ी वाला है बाबा, ये पौड़ी वाला है। अरे पौड़ी वाला जय माता दी। चलो जी चलो आ जाओ आ जाओ। इधर से आते हो। और कुछ इस तरह से लोगों मैं भी हूँ राजी लोगों। अभी ऐसे ही चल रही है अम्मी। अंकल जी सबसे आगे पहुँच गए और ये पहुँचने वाले हम साथ में। और मारते और मारते चल चल चल। ये 24 घंटे चलता है। साथ में बनता है सतलुज नदी का। देखो आगे करेंगे जब वो आगे। ये ऊपर पहुंच गए। ये नीचे मुझे लगता है कुछ पानी का। आजो, आजो। और सभी काफी खुश हैं यहाँ पे आके। ये सराय वगैरह होगी शायद। उठाओ उठाओ ओए जंप। लड्डू दौड़ रहा है के साथ। इसको बांधते व्लॉगर भाई। हाँ भाई बढ़िया है। बस हो रहा है भाई। YouTube का YouTube पे सारा चलता है। लो जी अब बन गए हम पक्के भगत। अच्छा अब चलते हैं माता के दरबार में माथा टेकने। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। और इन सबको दे दिए। मम्मी ये दोनों इधर रुकते नहीं। सभी भक्त तैयार हो गया अंदर जाने के लिए। हाँ ये सीधी वाली चढ़ाई है। ये सीधी है तो इस तरह इधर या भी ले पानी पी। तो जय माता दी। अब पहुँच गए मंदिर के बाहर। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। सब वो लोग कमेंट में जय माता दी, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। चलो जी अंदर चलते हैं। लो जी सभी आ गए हैं। चले अब अंदर। चलो लड्डू कहाँ है? जय माता दी बोलो। चलो जी आ जाओ। चलो भाई जय माता दी जय माता दी जय माता दी। जाओ जय माता दी करते जाओ। सो लाइन में लग गया सारे दर्शन करने के लिए। सारे आज जल्दी मैंने अपना भी जय माता दी हो रही है। बेटो कितने बेहतर नहीं रानी भूमिर्बन्धोबली राजदानबिंद्रुतेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचल। बच्ची का हाथ पकड़ो ना आप मेरे को ले रखे चलो जी हवन तो हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, आगे दर्शन करते हैं क्योंकि सफ़र है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। इच्छा आजा 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 फोटो खिंचवाएंगे फोटो। तो यहाँ पे कुछ कहावत है कि यहाँ से कोई डाकू वगैरह गुजरता है यहाँ पे। काफ़ी बड़ी खाई है नीचे तक। ये है वो गेट, लेकिन ये बंद है, लेकिन नीचे काफ़ी खाई है। मेरे को दे बेटा, तो दर्शन वगैरह तो कर लिए यहाँ पे मंदिर में। तो अभी बाहर आके यहाँ पे काफ़ी अच्छी पीसफुल एरिया है और काफ़ी बैठने का दिल करता है यहाँ पे कि रुक के यहाँ पे बैठ जाओ। और काफ़ी अद्भुत सा नज़ारा है यहाँ अंदर, क्योंकि आज इतनी भीड़ नहीं है तो आराम से दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन हो गए और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे आके। बैठे 2 मिनट के लिए बैठ जाओ बाबा। तो ये बाहर से कुछ व्यू इस तरह से। हाँ जी पता है ना सारा जजमेंट वगैरह वास्ते नवरात्रों में तो नवरात्रों में और सैटरडे संडे को काफी भीड़ होती है, बहुत भीड़ है। शादी लिफाफे को लो फिर वेरी गुड। ये देखो, हेलो जय माता। अबे ऐसे सोचते थे आपकी मम्मी भी चलेगी। अरे ना जितना मैं कह रहा हूँ तुम्हें बुरा लगा क्या चाहिए? नहीं क्योंकि बर्थडे बैग है बिल्कुल ही फ्रेश है। तो ये ऊपर माता का मंदिर है और ये पीछे का व्यू है यहाँ पे जहाँ से हम आए थे। और ये यहाँ पे गाँव वगैरह भी है बीच में और ये काफ़ी पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। और यहाँ पे ये नदी भी है। ये कौन सी है? ये सतलुज नदी है। ये सतलुज नदी है भाई। यहाँ पर पानी भी रोक रखा शायद काफ़ी दूर दूर तक। वो देखो तो लो जी व्यू कुछ इस तरह से यहाँ पे पहाड़ों के बीच बादलों के बीच। तो काफ़ी खाई है यहाँ पे नीचे। तो ये सतलुज नदी है। सतलुज नदी का डैम बना हुआ है। तो चलते हैं अब। जय माता दी। ये तो यहाँ पे पहले चप्पल उतारनी पड़ेगी। तो चलो जी यहाँ से प्लेट लेते हैं। यहाँ प्लेट ग्लास यहाँ से यहीं पे मिलता है। ये चम्मच और ये ले लिया गिलास और ये ले लिया प्लेट। पानी ये जो है। तो चलो जी लेते हैं लंगर। अच्छा है, काफ़ी स्वादिष्ट है। तो चलो जी खाना फिनिश करते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। तब तक जय माता दी। थोड़ी अलमारी खोल रखी थी। अच्छा, पहले ये लोग ऐसे कम लगाते थे। हाँ जी, बाद में पहले अलमारी मेरी दूसरी मंजिल पे था स्कूल के। अच्छा, बंदर ले गया उठा के? तो बंदर ले नहीं गया, मैंने उसको पी करके ढक्कन नहीं लगाया था। अच्छा, वो पी गया? बंदर पी गया, पागल हो गया। अच्छा, दवाई भी गई? कम से कम 50 आदमियों काट गया। अच्छा, 50 आदमियों काट गया, चोर जैसे चिल्ला चिल्ला के। अच्छा अच्छा, इतनी खुराक खाई जाती है क्या? टाइफाइड की दवाई थी वो। हाँ, इतनी खुराक कैसे पचाएगा वो? हाँ, ये तो है। हाँ, तो ऐसे ले जाते हैं बच्चों को उठा के। बच्ची रो ना बनती है। मारो ये तो वो है। कितनी अच्छी चिड़िया है। दर्शन के लिए बड़ा साइज नहीं तो खराब। नीचे पहुँच गए, जहाँ से पार्किंग स्टार्ट होती है यहाँ से मारो। अच्छा, सीटी मार रही है जोर से लगा के। उल्टा करो इसको, पहले ऐसे करो, ऐसे ऐसे। हाँ, अब करो जोर से। तो ये नीचे पार्किंग है, जो मेन पार्किंग। अंकल, ये टिम्बर ट्रेन कहाँ से है शुरू? अच्छा, नीचे से ये चल रही है अभी, क्या बंद है? चल पड़ेगी। अच्छा, सवारियों पे चलती है। ओके, नीचे से वैसे ही अगले ने खाली चलाई रख ली। हाँ, ये भी है। एक 5 सवारी ऊपर होगी, 5 नीचे होगी। तो इसका स्टॉप नीचे बना होगा वहाँ पे। तो जो ऊपर पैड़ियाँ नहीं चढ़ सकते या ऊपर आ नहीं सकते, वो टिम्बर ट्रेन से भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे पार्किंग दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। ये नीचे गांव है? ये सारे गांव है जी, अलग अलग। और ये सतलुज नदी? ये भाखड़ा डैम। अच्छा, भाखड़ा डैम है ये। ओके, यहाँ तक है? पीछे तक है, आगे भी। अच्छा, पीछे तक वो भी सागर भाखड़ा डैम। अच्छा, यही है वो पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ से सब कुछ ओपन है, तो ये देख सकते हो यहाँ से। तो कुछ अमेजिंग सा व्यू बन रहा है भाई, खुला खुला सा। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ का पीछे का व्यू। तो ये भाखड़ा डैम है, तो पानी यहाँ तक है इसका। काफ़ी बड़ा सा पहाड़ भी है। चलो वहाँ देख के आते हैं। तो यहाँ कुछ माहौल ऐसा है, यहाँ पे कुछ कपल बैठे भी हैं। ये पहाड़ का कुछ ऐसा सीन है, भूख ही नहीं लगती। चलो चलते हैं वापस से। अब चल पड़ी सारी वो रोप वे है ना। हाँ, ये ऊपर वो लगी हुई है टिम्बर ट्रेन। अब वो नीचे लाइट चली गई थी। अच्छा, चली गई थी। अब एकदम चल पड़ी सारी। हाँ, वो जोगी भी है, वो चार सवारी भी है। हाँ जी, हाँ जी। कलर ये पार्किंग वगैरह, आपको होटल सराय यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। तो मोहाली और चंडीगढ़ से ये करीबन 2 घंटे डेढ़ 2 घंटे का रास्ता है। वहाँ से टैक्सी कैब सब कुछ मिलेगी आपको। चलो इस साइड का व्यू दिखा दूँ आपको। इस तरह से तो हवा चल रही है काफ़ी तेज़ और मौसम भी कुछ बादल वाला है आज। करता ही है। हाँ, कुछ नहीं है शहरों में, सब कुछ है पहाड़ों पे ही है। ठंडी ठंडी हवा, ताजी हवा, प्रकृति है जी। प्रकृति की ये देखो ना, प्रकृति के क्या रास्ते हैं, फ्रेश हवा।